पब्लिक टीवी आपकी आवाज। गन्ना बेल्ट के नाम से मशहूर पश्चिमी यूपी के मुरादाबाद जिले के किसान अब परंपरागत खेती को छोड़कर कम समय में ज्यादा मुनाफा देने वाली खेती की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। दरअसल जनपद के पागबड़ा क्षेत्र के कई गांव के किसान सफलता की इबारत लिखते हुए कुछ सालों से राष्ट्रीय पुष्प कमल की खेती बड़े पैमाने पर करते हुए अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, जिसको देखकर अब क्षेत्र के दूसरे किसान भी उनसे प्रेरणा लेकर अपने खेतों में खुदाई कराकर कमल की खेती कर अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। किसान कहते हैं कि गन्ने की खेती में बकाया भुगतान जैसी एक बड़ी समस्या रहती है, लेकिन कमल फूलों की खेती की बिक्री के लिए उनको भटकना नहीं पड़ता। फूलों की बड़ी तादाद स्थानीय बाजार में खप जाती है, लेकिन डिमांड और अच्छे मुनाफे के लिए इन फूलों को दिल्ली और हरिद्वार की फूल मंडी में भी सप्लाई किया जाता है, जहां फूलों का बहुत अच्छा रेट मिलता है। वहीं किसान ये भी कहते हैं कि कमल के फूलों की खेती से जहां बिक्री के लिए फूल मिलता है, तो वहीं इससे मखाना दाना और कमल ककड़ी का इस्तेमाल सब्जी के रूप में बहुत पसंद किया जाता है। इतना ही नहीं, इस फूल के पेड़ के पत्ते से पत्तल बनाकर भी बाजार में बेचे जाते हैं। वहीं त्योहारों पर इसका एक फूल 50 रुपए तक बहुत आसानी से बिकता है। मोड़ा तैया के गाँव के रहने वाले हैं, किसान लोग हैं। ये भछेड़ों की जो है हम खेती करते हैं, इसका फूल भी बिकता है और जिसका मखाना बनता है वो भी बिकता है, इसका गलमगट्टा। और 2.5-3 महीने में फसल तैयार हो जाती है, जिससे कि हम मजदूरों को ज़्यादातर इसे रोज़गार मिलता है। फायदे की बीत के या कितने फ़ायदे मतलब दूसरी खेती? ये दूसरी गेहूँ धान से ज़्यादा पैदावार देती है ये खेती। हाँ, अब तो काफी लोग हमारे यहाँ इस खेती को कर रहे हैं, बहुत लोग। फायदा है बढ़िया? हाँ, बढ़िया फायदा है। और ज्यादातर दिल्ली मुरादाबाद सब मंडियों में यही माल बिक्रिया जाता है। फायदेमंद बहुत चीज है ये खाने की। शुद्ध सब्जी है, सबसे बढ़िया। 2-2.5 फुट गहरे में निकलती है ये। तो खेती तो लगभग 30 साल से ज़्यादा कर रहे हैं लगभग, और इसे इसकी खेती सबसे ज़्यादा फायदा बना है, क्योंकि इसमें मेहनत तो है लेकिन पैदावार ज़्यादा है इसकी, औसत सही आता है इसका खेती का। और जैसे इसकी सब्जी उगाते हैं ना, इसकी जड़ होती है कमल ककड़ी जिसे बोलते हैं, उसे सब्जी के रूप में खाते हैं, तो उसमें जो होती है गैस जो बनती है आदमियों को, कब्ज गैस हो जाती है, उसके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होती है। और इसलिए ज़्यादा इसकी पकड़ हो रही है, इनकम भी ज़्यादा होती है। इनकम भी बहुत ज़्यादा होती है और धान गेहूँ से अधिक। कितने समय में तैयार हो जाती है ये? 3 महीने में, 2.5-3 महीने के महीने में तैयार हो जाती है। हम पहले इस मशीनों को लगाया जाता है, फिर नराई करते हैं, उसके बाद में ये जो 10-11 महीना चलता है इसमें खोदना शुरू कर देते हैं इसकी खेती। और जब बढ़िया कर लेते हैं तो 20 भी पड़ती है, 20,000 रुपये बीघा, 30,000 रुपये बीघा, 50 भी पड़ जाती है और कम भी पड़ जाती है। और इसका कमल का फूल भी खिलता है और वो बिकता है, और इसके काम मखाना भी बनता है, और इसकी सब्जी भी बना कर खा लेते हैं बच्चे। हाँ, और इससे बहुत तकड़ा लाभ है। इसे बारिश होगी तो इसमें कोई लागत का काम नहीं है, बस नराई का काम है बस। यानी ये वाली फसल फायदे का सौदा है, दूसरी फसल फायदे का सौदा है? सबसे बड़ी फसल यही है भारत के अंदर, इससे बड़ी फसल नहीं है हमारे यहाँ मुरादाबाद मंडल में।